तो भाई अभी तक आपने ये वाली पोस्ट देख ली होगी जहाँ जेरी ने ज्वाइन कर लिया आईकॉर्ड लाइक को, एंड ये भी देख लिया होगा कि आदित्य ने भी ज्वाइन किया आईकॉर्डल को ओनली फॉर रेड बुल मियो। तो भाई आज था रेड बुल मियो का डे वन एंड गॉर्डल की लाइनअप में हमें खेलते दिखे जेरी, जोनाथन, आदित्य, जी गॉड। एंड भाई आज के मैचेस के ओवरऑल स्टैंडिंग भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, जहाँ टॉप पे ओजी विद 88 पॉइंट्स एंड टीम सोल एस सिक्स पे विद 37 पॉइंट, एंड गॉर्डल एंड टीएस की बात करें तो गॉर्डल एट 11 पे विद 27 पॉइंट्स एंड टीएस 16 पे विद 21 पॉइंट्स। तो भाई आज के परफॉर्मेंस के बाद जेरी की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिलती है, टीम अच्छी है बस थोड़ा सा टाइम दो सब सही होगा, मैं तुम सबको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, हम सारे प्लेयर्स वो सब करेंगे जो परफॉर्मेंस के लिए चाहिए रहेगा। तो भाई कल लॉज भी लाइव आए थे एंड लॉज ने भी न्यू प्लेयर्स के रेट रिएक्ट किया, एंड भाई लॉज भी सॉफ हो गए प्लेयर्स को देखने के बाद, एंड ये क्लिप आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। गॉड लाइक की न्यूज सुन के ही रहेंगे तुम लोग सुबह सुबह। अब मेरे को एक क्या पता था, 1+1 फ्री था, वो नहीं पता था buy one get one free था यहाँ तो, ऐसे सिस्टम था आज की अनाउंसमेंट में, देखते हैं अभी क्या चलता है। होप सो परफॉर्मेंस आ जाए जो ऑन पॉइंट चाहिए सभी को पूरा ही गया। तो भाई कल अमन भाई लाइव आए थे एंड गाइस सब आदित्य के बारे में पूछने लगे क्या आदित्य गॉर्डल लाइनअप के साथ कंटिन्यू करने वाले रेड बुल मियो के बाद। इस पे अमन भाई ने क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। आदित्य के बारे में बताओ, आज भी देखो लोंडे आ गए इधर टूर्नामेंट खेले, बट करंटली अभी के लिए हेली, आदित्य, जॉनी और एक प्लेयर मे भी ऐसा लाइनअप बनेगा अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा गया तो, क्योंकि देखो आदित्य का भी कल रात को डिसाइड हो गया आज से खेलने आ गया, तो इतना जल्दी नहीं होता है सारी चीजें। तो भाई नेक्स्ट अपडेट भी है गॉर्डन रिलेटेड, तो भाई कल जब अमन लाइव कर रहे थे तो भाई अमन ने बताया कि एक और न्यू प्लेयर ज्वाइन करने वाला है गॉर्डन को, एंड वो मेन लाइनअप में भी खेलेगा, एंड गॉर्डन की फिक्स लाइनअप क्या होने वाली है ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। हम और एक असॉल्टर देखेंगे अच्छा वाला, फिर उसके बाद लाइनअप फिक्स करेंगे, की जगह एक एडिशन होगा तगड़ा वाला, की प्लेइंग फाइव है अभी रेड बुल के बाद जॉनी, जिगॉर्ड, जिगॉर्ड रहेगा गॉन्डेक में, जॉनी, जिगॉर्ड, जेली, आदित्य प्लस वन मोर, एक बंदा ले लेंगे टीम के हिसाब से, टीम का जो डिसीजन होगा क्योंकि अभी कोई फ्री नहीं है, तो उसके बाद जो भी फ्री होंगे फिर जो लोग हमको आके बोलेंगे कि लाइक अभी हमको पता नहीं ना कौन कौन फ्री एजेंट्स है, और ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए एक असल्टर आ जाएगा बढ़िया वाला, फिर अपना टीम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट अपडेट है आदित्य के रिलेटेड, तो गाइस स्काउट भाई ने बताया कि आदित्य का फेयरवेल क्यों हुआ टीएक्स से, एंड आदित्य ने गॉर्डल को ही ज्वाइन क्यों किया, इस पे स्काउट भाई ने क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। अरे गाइस चिल करो, ऐसा कुछ नहीं है, सीन ऐसा था कि आदि के साथ जम नहीं रहा था कब से, ये अभी का टाइम नहीं है बीजेएस का टाइम है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आदि को चेंज करना, तो ऑब्वियसली हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि भाई सबको पता है कि आदि मेरे क्लोज कितना है, बट सीन ऐसा है कि भाई आदि के साथ जम नहीं रहा था, और ऑब्वियसली आदि को चेंज करना था, ऑलरेडी प्लान ये बन रहा था, आदि को भी पता था वो चीज़, तो आदि के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है टू प्ले विथ जेली। अब इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे थे कि भाई जेली अब गॉर्डल चला गया, अब आदि टीएक्स में चेंज हो रहा है, आदि फिफ्थ नहीं रह सकता है क्योंकि टैलेंट वेस्ट होगा, तो आदि को कोई टीम में ज्वाइन करना ही होगा, आदि कहीं और ज्वाइन करने से अच्छा बेस्ट डिसीजन क्या है कि भाई तू जेली के साथ खेल ले बेस्ट चीज़ रहेगा। अब जेली गॉर्डल जा रहा है तो आदि को कहाँ खेलना पड़ेगा, इवेंचुअली गॉर्डल में, तो ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई प्लीज़ अज्यूम करना बंद करो। तो भाई नेक्स्ट अपडेट है शैडो एंड क्लच कोड के रिलेटेड, तो भाई आपने ये न्यूज़ भी सुना होगा कि शैडो एंड लाल एक न्यू टीम बनाने वाले हैं, तो गाइस कल नियो लाइव आए थे एंड नियो ने इसके रिलेटेड रिएक्ट किया, एंड नियो ने इसके ऊपर क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। लाल एंड शैडो का क्या, लाल एंड शैडो का, लाल को आई गेस शैडो के साथ खेलना है, ऐसा सीन है, लाल को समझाए हम लोग बट वो बोला कि उसको शैडो के साथ कंटिन्यू करना है, और हम लोग को न्यू आईजीएल चाहिए था, तो उसको बोले भाई क्यों, वो बोल रहा है मेरे को न्यू टीम बनाना है, खुद का टीम बनाना है उसने बोला शैडो के साथ। तो नेक्स्ट अपडेट भी है नियो की तरफ से, क्या नियो ने इस स्पोर्ट को लीव कर दिया है, इस पे नियो ने क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे।
आशा तू अपना सीन बता सीरियसली, तू ईस्पोर्ट्स कंटिन्यू कर रहा है कि सीसी? मैं दोनों छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इधर से, बोल रहा हूँ मजाक सेट के, अभी मैं घर पे ही रहूँगा गाइस नेक्स्ट 4 महीने। तो बस भाई आज वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।